मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स 27 फरवरी से मनाया जाएगा, जो कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा, जिसको लेकर ताजमहल के आसपास पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद मोड पर नजर आएगी। इस दौरान डीजी महाराजा न्यूज की टीम ने ताज सुरक्षा सीओ जगमोहन सिंह से बातचीत की, तो क्या कुछ कहना था उनका, देखिए इस रिपोर्ट में। मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय 367वां उर्स 27 फरवरी से मनाया जाएगा। शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान तीनों दिन ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे बनी शाहजहां मुमताज के मुख्य कब्र के तहखाने खोल दिए जाएंगे। उर्स के दौरान ताजमहल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सीओ ताज सुरक्षा जगमोहन सिंह ने बताया कि उर्स के दौरान ताजमहल पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसके चलते ताजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी। दिनांक 27 से उर्स शुरू है, 27 और 28 को शाम को 2 बजे के बाद, और 1 मार्च को उस दिन शिवरात्रि भी है शायद, उस दिन फुल डे जो है उस दिन उसके कार्यक्रम चलेंगे, और इस अवसर पर ताज में एंट्री बिना टिकट बिना किसी शुल्क के फ्री की गई है। और जहाँ तक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध है प्रश्न है, वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था मेन एंट्रेंस गेटों पर और उसके आसपास एक्सेस कंट्रोल को लेकर रहेगी, और बिना किसी चेकिंग फ्रिक्शन के किसी को और बिना किसी चेकिंग के किसी को अनावश्यक और कोई आपत्तिजनक सामान ले जाके अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सर, सालाना उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसको देखते हुए किस तरीके का इंतजाम है? इसके लिए अलग से फोर्स की व्यवस्था की गई है, हमारे पास ऑलरेडी सभी बैरियर्स पे ड्यूटियाँ लगी हमेशा ही रहती हैं, और जो अगर इस तरह की भीड़ होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए संबंधित थानों की मदद से और अपने ताज सुरक्षा और अन्य थानों की मदद से इसको कंट्रोल किया जाएगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।